नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी, ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। एससीईआरटी एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन हम आपको करा रहे हैं, पीआरटी और 6 से 8 जूनियर पेपर के लिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हम आपको टॉपिक भी कवर करा रहे हैं, साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है वो भी हम कवर करा रहे हैं। तो इससे पहले अभी तक हम जो टॉपिक देख चुके हैं, साइड माई बटन वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप देख पाएंगे वो वीडियो। तो आज का हमारा चैप्टर है सबसे पहला वस्तुओं के समूह बनाना, मेकिंग ग्रुप ऑफ थिंग्स। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम करा रहे हैं आज 2 चैप्टर कराएंगे, ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए एक और चैप्टर इसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे चारों ओर की वस्तुओं की अगर बात करते हैं तो हमारे भोजन और वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता, अनेक प्रकार की वस्तुएं होती हैं जो कि आपको पता है, और इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, गुण अलग अलग जो है वो होते हैं। जो मेन पॉइंट है केवल हम उन्हीं की बात करेंगे। तो अपने चारों ओर देखेंगे, गोल आकृति की वस्तुएं आपको देखने को मिलती हैं, गेंद, रबड़, इस तरीके से। यदि हम सूची में गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, अलग अलग वस्तुएं आप रख सकते हैं। प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह इसी प्रकार बना सकते हैं। और हमारे चारों ओर अलग अलग वस्तुएं जो होती हैं वो एक से अधिक पदार्थों की बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक अलग अलग हो सकते हैं। वस्तुओं और पदार्थ जिनसे बनती हैं, जैसे प्लेट या थाली की बात करें तो इस्पात, कांच, प्लास्टिक या अन्य कोई वस्तुओं से बन सकती है। पेन की अगर बात करें तो प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी होता है। इसी प्रकार समान पदार्थ से बनी अगर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बात करें तो जैसे लकड़ी है वो कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, अलग अलग चीजें बनती हैं इस लकड़ी से। कागज से पुस्तकें, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, इसी प्रकार से। इसी प्रकार पदार्थों के गुण की बात करते हैं तो गिलास का यूज सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं, और अलग अलग टाइप की ग्लासेस आपकी जो है वो होती हैं। और हम जो भी वस्तु बनाते हैं वो देखते हैं कि उस पदार्थ का गुण या उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर डिपेंड करता है, मतलब किस चीज में उसका यूज किया जा रहा है। दिखावट पदार्थ जो होते हैं प्रायः एक दूसरे से भिन्न अलग अलग दिखाई देते हैं, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। आप सोच रहे हो कि इसमें बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं, परंतु ये क्लास 6 में आपको दे रखा है इसीलिए हम बता रहे हैं। कठोरता की भी बात करते हैं तो हम विभिन्न पदार्थ जो होते हैं उनको अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। और वही एग्जाम्पल के जरिए जो है वो बताया गया, जैसे कोई एक ठोस वस्तु को ले सकते हैं, कोई एक मुलायम वस्तु को ले सकते हैं, तो क्या होता है कोमल पदार्थ, क्या होता है कठोर पदार्थ, वो सभी आप जानते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं, तालाब में फेंक देते हैं शहद की कुछ बूंदे जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं तो वो डूब जाते हैं। पारदर्शिता की अगर बात करते हैं तो जो वस्तुओं के आर पार हम देख सकें वो पारदर्शी होती हैं, जिनके तरफ ना देख सकें आर पार वो आपकी अपारदर्शी होती हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है इस तरीके से, पारदर्शी अपारदर्शी को लेकर के वही चीज यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए भी बताई गई है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते, उन्हें हम पारभाषी कहते हैं, ये याद रखने वाला पॉइंट है। और हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं सीधे हम प्रश्नों को लेकर के। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है कि आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो आलू में आपका मंड होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। आलू में सबसे अधिक पाया जाता है स्टार्च या मंड। आलू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये सब भी जो है वो आलू में पाया जाता है। और आलू में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसको कार्बोहाइड्रेट का नाम भी दिया जाता है। तो आलू में सबसे ज्यादा क्या होता है स्टार्च यानी कि मंड होता है। अगला प्रश्न, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो आप सभी को पता है कि आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग जो है ये आपका होता है। और आयोडीन का सेवन जो होता है वो आमतौर पर आहार में आयोडीन युक्त नमक जो होता है ना उससे हो जाता है। घेंगा रोग जो होता है वो असर जो डालता है वो थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि, अर्थात घेंगा जो रोग होता है उसमें गला फूल जाता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि जो है उसको बढ़ा देता है। अगला है, रोगशांस के मुख्य स्रोत इनमें से क्या होते हैं, चावल है, बेसन है, जल है या ताजे फल और सब्जियां हैं। आंसर की बात करते हैं तो ताजे फल और सब्जियां आपका हो जाएगा। रोगशांस में ये आपके स्रोत आते हैं और साथ ही साबुत खाद्यान्न, दल, दाल, आलू आदि ये भी आते हैं। रोगशांस जो होता है वो पशुओं के आहार में उपस्थित रेशा युक्त खुरदुरी और कम पोषण वाली घास, उसको ही रोगशांस कहते हैं।
पशु इन्हें सूखे भूसे घास आदि इनके रूप में लेते हैं। मेन आप समझ लीजिए कि जो सैलेड होता है, सलाद होता है, वही आपका होता है रुक्षांश, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगला देखते हैं, ये क्रॉस क्वेश्चन हमने पिछले वाले जो चैप्टर है उसमें कराया था आपको, कि भोजन में अगर मंड परीक्षण करना है तो टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाते हैं तो खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। तो मंड परीक्षण के लिए कौन सा रंग बदलता है, नीला काला, नीला या काला है? कौन सा आंसर यहाँ पर आपका नीला या काला दोनों में से हो जाएगा। तो मंड परीक्षण एक ऐसा आसान परीक्षण है जिसमें खाद्य पदार्थ पर आयोडीन का घोल डाला जाता है, और मंड परीक्षण के लिए आलू जैसी कोई सामग्री आप ले सकते हैं जिसमें तनु आयोडीन विलयन आपकी 2 या 3 बूंदे अगर डालेंगे तो खाद्य पदार्थ का जो रंग होगा उसमें होने वाले परिवर्तन देखेंगे तो ये नीला या काला हो जाता है। तो जो नीला या काला रंग होता है वो ही आपका मंड या स्टार्च जिसको कहते हैं उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। तो आपको बस जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो ये ध्यान रखना है इसमें मिलाते हैं तनु आयोडीन विलयन चेक करने के लिए, और दूसरा चीज जो कलर देता है नीला या काला रंग जो है वो देता है। अगला देखते हैं, वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर आपको चीजें करा सके। पांचवा प्रश्न है, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व जो है वो क्या कहलाते हैं? वसा, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो वसा और कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहलाते हैं। वसा तो देते ही ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है जिस पर हमारा शरीर ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के लिए निर्भर जो है वो करता है। खाद्य ऊर्जा को आमतौर पर हम कैलोरी जो है उसके रूप में व्यक्त करते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर बात करें तो प्रति ग्राम 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि वसा से सोचिए प्रति ग्राम 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज्यादा वसा जिसको चर्बी कहते हैं उससे आपको मिलती है ऊर्जा। क्विक एनर्जी अलग होती है और ज्यादा मात्रा में अलग होती है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम से, और इसी प्रकार वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। बढ़ते हैं अब हमारे अगले चैप्टर की तरफ जो कि है पदार्थों का पृथक्करण। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और ये हमारा चैप्टर नंबर 3। अभी तक हम 2 चैप्टर करा चुके हैं। तो चैप्टर में बढ़ते हैं पदार्थों के पृथक्करण में, सेपरेशन ऑफ मैटर्स। चाय बनाते समय जैसे चाय की पत्तियों को आप द्रव से छाननी द्वारा अलग जो है वो कर सकते हैं, चाय की पत्तियों को छलनी द्वारा इस प्रकार से अलग करना दर्शाया गया। इसी प्रकार आप यहाँ पर एक और देख पाएंगे, दूध या दही का मंथन करके आप मक्खन निकालते हैं तो वो भी एक पृथक्करण के ही उदाहरण में आ जाएगा। फसल कटाई के पश्चात जो अनाज होता है उसको आप भूसे से अलग करते हैं, मक्खन को आप अलग करने के लिए दूध या दही का मंथन करते हैं, रेशों से बीजों को आप अलग करते हैं, तो हम कपास को जोड़ते हैं ना, तो रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओढ़ते हैं। फिर बात करते हैं कि हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। तो जैसे पहला है यहाँ पर पृथक्करण प्रक्रम, दूसरा आपका है उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण करते हैं, और तीसरा है पृथक्कृत जो अवयव है उनका हम करते क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चावल से पत्थरों को अगर अलग करना है तो दो अलग अलग परंतु उपयोगी पदार्थों को हम अलग कर रहे हैं, दो भिन्न, ये उद्देश्य बताया गया। और जो अवयव है उनको हम करते हैं, तो जो ठोस अवयव है उनको फेंक देते हैं, मतलब चावल से जो पत्थर निकालते हैं पत्थर फेंक देते हैं। इसी प्रकार मक्खन प्राप्त करने के लिए जो दूध का मंथन करते हैं तो अनुपयोगी जो अवयव है उनको दूर कर देते हैं, अशुद्धियों को हम फेंक देते हैं। चाय की पत्तियां जो है पृथक करते हैं, इसमें भी जो हानिकारक अवयव होते हैं उनको दूर करते हैं, और दोनों अवयव का यूज यहाँ पर हम करते हैं। हम ये देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हम उसमें जो भी हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उसको अलग करते हैं। तो ऐसा करने के लिए एक्चुअल में अलग अलग यहाँ पर हमें विधियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो पृथक किए जाने वाले पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव या गैस में से कोई भी हो सकते हैं, इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का अलग करने के लिए जो उसमें गुणधर्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको अलग करते हैं। तो पृथक्करण की इसलिए अलग अलग विधियां होती हैं क्योंकि भैया पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं तो इसलिए विधियां भी अलग अलग होती हैं। तो उसमें अगर बात करते हैं कुछ सामान्य विधियों में, सबसे पहली विधि है हस्त चयन की। जैसे गेहूं है, चावल है, दालें हैं, कुछ बड़े मिट्टी के कण हैं, पत्थर है, भूसा है, इसको अलग करना है तो आप डायरेक्ट हाथ से सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी पत्थर पत्थर होते हैं अलग कर लेते हैं। इससे आप अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक इसमें नहीं होती है, तभी आप हस्त चयन जो विधि है उसका यूज करते हैं। दूसरा विधि है आपका थ्रेसिंग। थ्रेसिंग की अगर बात करते हैं तो अपने खेत या जो खलिहान है उसमें गेहूं या चावल की सूखी डंडियां, सूखे पौधों के गट्ठर देखे उनके तोड़ करके अलग कर लिया जाता है। फिर सूखे पौधों से अनाज को अगर आपको अलग करना है तो पहले धूप में सुखाया जाता है, फिर सूखे जो पौधे होते हैं उनकी डंडी पर अन्न के कण लगे रहते हैं,
गेहूं की बालियां देखी होंगी ना, उसी पे लगी रहती हैं, तो वही तोड़ लिया थी पूरी जड़ से। उसके बाद पहले उनको सुखा लिया जाता है, और उन्हीं सूखे पौधे की डंडी पर अन्य कण लगे होते हैं। तो खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अन्य कण की संख्या अगर आप देखेंगे तो इतने ज्यादा होते हैं, इसीलिए यूज किया जाता है किसका, थ्रेसिंग का। तो सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कण अथवा अनाज को अलग करने के लिए थ्रेसिंग जो है वो हम यूज करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, डंडियों को पीट कर अन्य कण को अलग किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी होता है। अत्यधिक मात्रा के अन्य कण को डंडियों से अलग करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का भी यूज किया जाता है। तो तीनों चीजें इसमें होती हैं। आगे एक पिक्चर भी देख लीजिए कि किस प्रकार से जो है वो अलग जो है वो किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगली थ्रेसिंग के बाद निष्पावन, इसकी बात करते हैं। तो सूखे रेत और लकड़ी के जो बुरादा होता है, या फिर सूखी पत्तियों के पाउडर को आप एक मिश्रण बना लीजिए। सूखी पत्तियों का जो पाउडर है उसका एक मिश्रण बनाइए, फिर इस मिश्रण को किसी प्लेट अथवा समाचार पत्र के आप ऊपर रखें। अब आप इस मिश्रण को खुले मैदान में अगर ले जाएंगे तो किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए, जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र के आप ऊपर रखेंगे। अब आप क्या करना है, इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाइए। मिश्रण को प्लेट में अथवा समाचार पत्र पर रखिए, ये चीज रिपीट वहां लिखी हुई है 2 बार। तो जिस प्लेट अथवा समाचार पत्र पर मिश्रण रखा है उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए, ताकि मिश्रण क्या हो, धीरे धीरे नीचे फिसले। मेन पॉइंट ये है। फिर आप क्या होता है, क्या दोनों अवयव रेत और बुरादा या सूखी पत्तियों का जो पाउडर है वो एक ही स्थान पर गिरते हैं? क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर जाता है? क्या वायु मिश्रण के दोनों अवयव को अलग करने में सफल हुई? तो किसी मिश्रण के अवयव को इस प्रकार से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। आपने इस चीज को देखा होगा, सूप से नहीं पछाड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो जो हल्के कण होते हैं मतलब वो उड़ जाते हैं हवा के साथ, और जो भारी होते हैं वही गिर जाते हैं। वही चीज होती है निष्पावन। निष्पावन का यूज जो किया जाता है पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी अथवा हल्के अवयव को अलग करने के लिए जो है वो किया जाता है। और साथ ही साथ साधारणतः किसान इस विधि का यूज हल्के भूसे को भारी जो अन्य कण है उससे अलग करने के लिए करते हैं। तो जैसे एक सूप के द्वारा यहाँ पर दिखाया भी गया है कि हवा की दिशा उस तरफ चल रही है, सूप से गिराया जा रहा है, तो जो भूसा है वो उड़ के इधर आ जा रहा है, भारी भारी कण नीचे आ जा रहे हैं, तो इससे आप अलग कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। ये अगर बेसिक चीजें आपने समझ ली ना, तो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा निष्पावन, और उससे पहले पढ़ा थ्रेसिंग, तो 2 अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अन्य कण अलग होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित कोई अन्य प्रयोजन में यूज में बाद में लाया जाता है। आगे बात करते हैं चालन, अगली जो विधि है वो कौन सी है, चालन। तो जब कभी कभी हम आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा हमें होती है, तो हमें इसमें उपस्थित चोकर या फिर आपकी जो अन्य अशुद्धियां उसको अलग करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको चलनी से चालना पड़ता है। तो बस यही चलनी से जो चालना है वही हमारा जो होता है वो कहलाता है आपका चालन। पिक्चर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ये आप डेली देखते भी होंगे। आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियां चलनी में रह जाती हैं। तो प्राय आटे को कि मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर और भूसे जो अशुद्धियां उसको इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। चालन द्वारा पत्थर डंडियां भूसा निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, उनको दूर किया जाता है। अगला है आपका अवसादन निस्तारण तथा निस्यंदन। तो कभी कभी मिश्रण के अवयव जो होते हैं उसको निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा अलग करना संभव नहीं होता है। तो जैसे कि चावल है, चावल में अगर आप देखेंगे तो चावल और दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण आपके हो सकते हैं। तो पकने में से पहले चावल या दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो क्या होता है, उन पर चिपकी हुई जो अशुद्धियां होती हैं, जो धूल के कण जो होते हैं वो आपके अलग हो जाते हैं। तो ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं, और बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, ये ऐसे सोचने को भी बताया गया है। बाकी मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयव है उनके नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को ही कहते हैं अवसादन। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा कि अगर भाई आप थ्रेसिंग से भी नहीं उस चीज को अलग कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से अगर चलनी से भी छान रहे हैं तब भी वो नहीं अलग हो रहा है, तो फिर आपके पास क्या सब उपाय होता है, पानी से धुलना। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। तो ये दोनों शब्दों को बताया गया।
और वही यहाँ पर चित्र के जरिए दिखाया भी गया है कि मिट्टी और जल का मिश्रण और अघुलित पदार्थ मिट्टी, तो किसी मिश्रण के दो अवयव हैं, उनको अवसाधन निस्तारण द्वारा आप अलग कर सकते हैं। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को अलग करने में भी यूज में लाया जाता है जो आपस में मिलते नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे अगर तेल और जल है, उनके मिश्रण को आप इसी विधि द्वारा जो है वो अलग कर सकते हैं। अगर द्रव के ऐसे मिश्रण जो है उनको कुछ समय के लिए रखे रहने दिया जाए तो वो अलग अलग परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपर परत बनाता है उसे हम निस्तारण द्वारा अलग कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पानी और तेल में तेल हल्का होता है, ऊपर तैरने लगेगा तो आप उससे अलग कर सकते हैं, तो इसे हम निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। बाकी इसी प्रकार चाय से भी जो छलनी छानते हैं उससे प्रक्रम को फिल्टर करना, निस्यंदन करना, वो भी एग्जाम्पल के जरिए बताया गया। अब बात करते हैं वाष्पन। तो एक बीकर में आप थोड़ा सा जल लेकर के उसमें 2 चम्मच नमक डालिए, अच्छी तरीके से हिलाइए। क्या होगा, नमक के जल से भरे बीकर को आप गर्म करेंगे तो जल तो उबल करके उड़ जाएगा, पर बीकर में क्या बचेगा, बीकर में नमक बचेगा। तो इस क्रियाकलाप से हमने क्या किया, मिश्रण से जल और नमक को अलग करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का यूज जो है वो किया, क्योंकि हमने नमक और जल जो है वो मिला करके उसको गर्म किया तो भैया केवल नमक जो है आपका बचा। तो ये वाष्पन की क्रिया का जो यूज किया है, तो वही बात यहाँ पर बताई गई कि जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती है। ऐसे समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं, मतलब नमक की मात्रा आप देखते हैं, तो इन्हीं लवण में से एक लवण साधारण नमक है। तो जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भर कर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश में जल गर्म होकर के वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सारा जो जल होता है वो वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तो इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके बाद में साधारण नमक के रूप में जो है वह समुद्र के जल से यूज में लाया जाता है। अब बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की तरफ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी इसमें जो ऊपर आपने नहीं भी पढ़ी होंगी पर क्वेश्चन में दी होंगी, तो आगे पीछे चैप्टर के हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर पर बेस्ड, कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित, या प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा पहला कि ऐसे वस्त्र के तंतु जो पौधे और जंतुओं से मिलते हैं वो प्राकृतिक तंतु कहलाते हैं। पेड़ पौधे या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादपों से प्राप्त तंतु में कौन कौन से आते हैं, कपास, रुई, जूट, पटसन। इन तंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि आपका इसमें हो जाएगा। अगला, मानव निर्मित तंतु इनमें से कौन सा है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है, या सभी हैं। मानव निर्मित तंतु की अगर बात करते हैं तो सभी के सभी आपके हो जाएंगे। वे तंतु जो प्रयोगशाला में रसायन का उपयोग करके बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं मानव निर्मित। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, ये सब मानव निर्मित तंतु जो है इसके उदाहरण में। रेशम की तुलना में रेयॉन आपका जो है वो सस्ता होता है और इसे रेशम की तंतु की तरह ही आपका बुना जा सकता है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जो मानव निर्मित वाले हैं वो सस्ते होते हैं इसीलिए उनका यूज में लाया जाता है, रेशम जो है आपका महंगा होता है। बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, या फिर सभी। कौन सा सही हो जाएगा, आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका सभी का सभी जो है वो हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा आदि जिले हैं जो कि जूट का अधिक यूज करते हैं। जूट का रेखा जूट के पौधों के तने और रिबन यानी बाहरी त्वचा से आता है। पूरे भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बाकी बिहार के अंतर्गत अगर बात करें तो ये सभी जिले आपके देखने को मिलते हैं, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, कताई, बुनाई, धुनाई या रंगाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, कताई जो है इसे कहते हैं। ये वस्त्र निर्माण प्रक्रिया का पहला चरण जो है आपका होता है। अगला है, धागे से वस्त्र बनाने की जो विधियां हैं उसमें बुनाई है, बंधाई है, बुनाई बंधाई दोनों है, कौन सा सही होगा। आंसर यहाँ पर बुनाई और बंधाई दोनों हो जाएगा, बुनाई और बंधाई दोनों ही धागे से वस्त्र बनाने की विधि जो है वो होती है। बुनाई जो होता है वो धागे की दो सेटों को आपस में आप व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, और बंधाई इसमें किसी एकल धागे या तागे उपयोग करके वस्त्र के लिए टुकड़े को बनाने में जो है वो इसमें यूज में लाया जाता है। दोनों तकनीक हाथ और मशीन दोनों द्वारा होती है। अगला है,
इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड। आंसर हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एम्थ्रासीन ही मात्र हैं जो कि आपके ऊर्ध्वपातन कर सकते हैं। तो ऊर्ध्वपातन में ये सभी आपको नाम याद होने चाहिए कि क्या क्या जो है ऊर्ध्वपातन की जो गुण है उसको दर्शाते हैं। बाकी ऊर्ध्वपातन मैंने आपको बताया कि ठोस से सीधे गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर उनको आप गर्म करते हैं, द्रव में नहीं कन्वर्ट होते हैं। अगला है आपका कि इनमें से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? तो ऊपर हमने भी देखे बताया अमोनियम क्लोराइड जो कि ऑप्शन में है, कपूर भी आपका होता है, नेफ्थलीन भी आपका होता है, तो बचा क्या? बर्फ। तो बर्फ आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बर्फ को अगर आप गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदलता है, जबकि ऊर्ध्वपातन क्या कहता है कि वो सीधे गैसीय स्टेट में बदले। तो वही लिखा है किसी पदार्थ को गर्म करें तो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बर्फ को गर्म करेंगे तो वो गैस में बदलेगा नहीं, पहले द्रव में बदलेगा। अगला, इनमें से कौन सी विधि है जो कि जल को पंकिल जल से अलग करेगी? पंकिल मतलब होता है कीचड़ के संदर्भ में, और मतलब यहां पर देखेंगे तो उसको शुद्ध करने को लेकर के बात हो रही है। तो पृथक्कारी कीप से क्या आप अलग कर सकते हैं? आसवन से, क्रिस्टलीकरण से, या निस्यंदन से? आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर निस्यंदन से। पंकिल मतलब कीचड़ युक्त जो जल है उससे अगर जल को आपको अलग करना है तो कीचड़ युक्त जल को किसी विशेष फिल्टर पेपर से आप छानते हैं। इस फिल्टर पेपर से एक निश्चित आकार से अधिक आकार के कण नहीं गुजर पाएंगे, और इस प्रक्रिया को ही हम फिल्ट्रेशन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में निस्यंदन जो है वो कहते हैं। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का यूज किया जाता है? परासरण, विपरीत परासरण, साइटोलिसिस, या टर्गर दाब। तो जल शोधन में जो है वो विपरीत परासरण का यूज किया जाता है। विपरीत परासरण के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। जब बाह्य आरोपी दाब कार्यरत परासरण दाब से उच्च हो जाता है तो परासरण विपरीत परासरण कहलाता है, अर्थात विलायक अणु उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? स्फीति दाब, परासरण, रिवर्स परासरण, या साइटोलिसिस? तो जल को शुद्ध बनाना है रिवर्स परासरण आपका, रिवर्स ऑस्मोसिस आपका सही हो जाएगा। इसको हम आरओ भी कहते हैं, आपके यहाँ वो लगा होता है ना वाटर प्यूरिफायर, तो आरओ होता है ना, तो वो आरओ ही तो होता है रिवर्स परासरण जो कि आपका जल को शुद्ध करने में यूज में लाया जाता है। समुद्री जो पानी है उसके जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थ को दूर करने के लिए यूज में लाया जाता है। परासरण का जो होता है यानी कि जो ऑस्मोसिस होता है वो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले घोल से अधिक सांद्रता वाले घोल की ओर गति करते हैं, जबकि व्युत्क्रम या रिवर्स परासरण में क्या होता है, अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा डिफरेंस, ऑस्मोसिस में क्या होता है और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, विल वी वी लवणीकरण या फिर डी सोलिनेशन ये होता क्या है? पर्यावरण की सफाई प्रक्रिया है या जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, कैफीन हटाने की, या सड़न क्षय की प्रक्रिया? आंसर हो जाएगा आपका बी, ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है। अगला है आपका पॉइंट इसी से संबंधित कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, साधारणतः लवण और खनिज पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को भी वी लवणीकरण कहते हैं। मैंने भी ऊपर बताया था कि लवण मतलब सीधे सीधे नमक से आप जोड़ेंगे तो वहां से ही आप याद रख सकते हैं कि लवण और खनिज पदार्थों को अलग करना है। जैसे खारे पानी को मीठे पानी में बदलने के लिए वी लवणीकरण किया जाता है ताकि ये मानव खपत या सिंचाई के लिए उपयुक्त बना रहे। कभी कभी इस प्रक्रिया द्वारा खाने वाले नमक जो है वो एक सह उत्पाद के रूप में भी बनता है। अगला है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत विघटन, ऑस्मोसिस, ओजोनीकरण, या ऑक्सीकरण? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करना है तो विद्युत विघटन कहते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और इस विधि का यूज किया जाता है औद्योगिक क्षेत्रों में भी, इसके द्वारा एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में भी सहायता जो है वो प्रदान की जाती है। तो यह ध्यान रखिएगा, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत विघटन। जैसे यहाँ पर 2H2O का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, इस प्रकार से ये अलग अलग जो है वो टूट गया।
अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ आपका नहीं है, आपसे पूछा गया। सारी लिस्ट मैंने ऊपर इसीलिए दिखा दी थी। तो सोडियम सल्फेट, कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थिलीन है, कौन सा इनमें से सही हो जाएगा? आंसर की बात करते हैं तो सोडियम सल्फेट पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, ये आपका एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ जो है वो नहीं है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित करने को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया के दौरान तत्व की जो अवस्था होती है वो किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में नहीं होती, यही चीज मैंने बताई थी। एग्जाम्पल आपको मेन ध्यान रखना है कि इसमें आते कौन कौन से हैं। अमोनियम क्लोराइड भी आता है, नेप्थलीन भी आता है, कपूर भी आता है। अगला, इनमें से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? तो अमोनियम क्लोराइड बताया मैंने ऑप्शन में, पहला ही दे रखा है तो यही सही हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड एक्चुअल में नौसादर को ही कहते हैं और नौसादर ज्यादातर लिखा लगा लिखा देखने को मिलता है। इसका उत्पादन सब्लिमेशन किया जा सकता है। अणु सूत्र इसका होता है NH4Cl, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ है, जल में अत्यंत विलय होता है, इसका जलीय विलयन हल्का अम्लीय होता है, प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सॉल अमोनिक अमोनियम क्लोराइड का एक रूप होता है। अगला है, सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप इनमें से किस प्रक्रिया का यूज करेंगे? आसवन या डिस्टिलेशन का, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का, क्रिस्टलीकरण या क्रिस्टलाइजेशन का, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन का? आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन या फिर आपका सब्लिमेशन। अच्छा, सोडियम क्लोराइड होता क्या है? नमक होता है, NaCl होता है, और इससे आपको अमोनियम क्लोराइड या फिर नौसादर या NH4Cl उसे कहेंगे, इसको अलग करना है तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से आप इसे अलग कर सकते हैं। जब ठोस वही चीज बताएंगे, कपूर या अमोनियम क्लोराइड नौसादर को गर्म करेंगे तो सीधे ही वाष्प में बदल जाता है। अगला है आपका, इनमें से कौन सा मिश्रण है जो कि अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? अल्कोहल और पानी, नमक और पानी, तेल और पानी, अल्कोहल में आयोडीन, तो तेल और जो पानी है इसके मिश्रण को आप अलग अलग कीप या फनल के द्वारा अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण आपके दो टाइप के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें अवयवीकरण को अलग अलग जो है वो नहीं देखा जा सकता। ऐसे जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में आप अलग अलग नहीं देख सकते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या? ऐसा मिश्रण जिसके जो अवयवकण होते हैं उनको आप अलग अलग देख सकते हैं। इसी को दूसरे तरीके से भी आप समझा सकते हैं कि जो आपस में घुल जाए ना घुले, उस संदर्भ में भी जिसके अवयव को आप अलग अलग देख सकते हैं वो विषमांगी होते हैं, मतलब आपस में घुले ना। जैसे पानी में तेल का अगर आप घोलेंगे तो घुल थोड़ा नहीं जाएगा, तो ये तेल के ऊपर रह जाता है, पानी नीचे रह जाता है, तो ये आपका विषमांगी मिश्रण है। तो वही चीज पूछा गया था कि कौन सा मिश्रण है जो अलग अलग कीप या फनल द्वारा अलग अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी आपके मिलेंगे नहीं, तो ये अलग अलग किए जा सकते हैं। अगला है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकों में से कौन सा इनमें से होगा? निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण, संघनन। तो समुद्र का पानी है तो भाई वाष्पीकरण ही अकेला ऑप्शन सही नहीं होगा, आसवन आपका यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि आसवन पृथक्करण की भौतिक विधि है। गैस से द्रव बनाने की परिघटना को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और किसी द्रव और बाकी किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है वाष्पीकरण। अगला, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे कि NaCl और आपका NH4Cl, इसके मिश्रण को आपको अलग करना है तो इनमें से किस विधि का आप यूज करेंगे? क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी, कौन सा सही होगा? आंसर आपका यहाँ पर ऊर्ध्वपातन सही हो जाएगा। NaCl यानी कि नमक वाला और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, तो इनको अलग करना है तो आपको बताया मैंने ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा आप इन्हें अलग कर सकते हो, ऊपर मैंने बताया। चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, और साथ ही साथ वीडियो पर लक्ष्य हम जैसा कि हमेशा रखते हैं तो 200 लाइक का टारगेट रख रहे हैं। जैसे ही कंप्लीट होगा PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और केवल लाइक PDF के लिए नहीं करना है, लाइक आपको जो मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए उसके लिए भी आप सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है जो कि अगला जो चैप्टर आएगा पेड़ पौधों वाला है, उस पर बेस्ड जब चीजें कराएंगे तो वहां पर इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। तो हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बीज, फूल या तना? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा, और यदि कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।